So this is what we heard today in Bangalore, around 120. And many more have been reported, this massive explosion sound. Some explosion. So we are waiting for the reports which are coming from. So here's the sound, guys. दोस्तों, बैंगलोर तब से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है जब से लोगों को एक सोनिक बूम सुनाई दिया। हम बात करने वाले हैं, बैंगलोर का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर सोनिक बूम की आवाज़ सुन सकते हैं आप। क्या ये सच में सोनिक बूम था और यहाँ पर इसे एलियन से रिलेट किया जा रहा है? अब बात करें तो बेंगलुरु लोकल्स ने ये मिस्टीरियस आवाज़ सुनी वेनसडे को, यानी आज, और इसी के साथ ट्विटर आती जितने भी थे वो सारे सोनिक बूम करके इसे ट्रेंड करने लगे। ये सोनिक बूम कब आती है आवाज़? जब कोई फाइटर प्लेन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में बहुत तेज़, यानी सुनने की शक्ति से भी तेज उड़ रही होती है, तब इस तरीके की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी ओर उसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म रहा और सब ये बात करने लगे कि क्या ये एलियंस तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है। इसके अलावा शुरुआत से ही वर्ल्ड वॉर ट्रेंड कर रहा था, तो अब लोग सोच रहे हैं कि कहीं सच में एलियंस तो नहीं आ गए। इस बात का जवाब देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने सारी बातों को खारिज किया है और कहा है कि एलियंस का इस मिस्टीरियस साउंड से कोई लेना देना नहीं। आखिरकार सोनिक बूम होता क्या है? सोनिक बूम एक थंडर लाइक आवाज़ होती है, यानी बिजली कड़कने जैसी आवाज़ होती है, जिसे ज़मीन पर आदमी सुन सकता है। अक्सर ये आवाज़ एयरक्राफ्ट या फिर कोई एरोस्पेस व्हीकल से आती है जो कि बहुत तेज़ी से उड़ रहा हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ट्रेंड कर रहा था और आज लगभग दोपहर के 1 बजे करीब इसे कई सारे बेंगलुरियंस ने सुना है और बेंगलुरु की जनता इसे ट्वीट कर रही है। बहरहाल, आप बेंगलोर से हैं तो आप हमें बताएं कि आखिरकार ये आवाज़ किसकी हो सकती है, और आपको अंदाज़ा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, क्योंकि मिलती है आपको देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।